देकर मंत्री जी ने मांगे सिंधिया के लिए वोट, तो रूठों को मनाते नजर आए प्रद्युमन सिंह। प्रदेश सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर आज मुंगावली पहुंचे, जहां उनके द्वारा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की गई। इसके बाद बाजार में निकलकर दुकानों पर हाथ ठेलों पर वोटों को रुकवाकर लोगों को पीले चावल दिए और 12 तारीख को लोगों को सिंधिया के लिए मतदान करने के लिए आग्रह भी किया। इस तरह पीले चावल देने के दौरान कई जगह मंत्री जी को लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा, लेकिन मंत्री जी प्रद्युमन ने अपनी सादगी से लोगों का दिल अवश्य जीतने की कोशिश की, क्योंकि जब यह नए बाजार में चंद्रमोहन सोनी की दुकान पर पहुंचे तो दुकानदार इनकी बातों को काटते हुए नजर आए और कहा कि आज तक क्या किया है आप। इसी बीच मंत्री जी मीडिया के कैमरों को बंद करवाते भी नजर आए, लेकिन मंत्री जी ने इस दुकानदार का दिल भी अपनी शालीनता व सहजता से जीत लिया और इस दुकानदार को अपने साथ लेकर गए। साथ ही फिर इस दुकानदार से ही लोगों को पीले चावल देकर कांग्रेस के लिए वोट मांगने को भी कहा। इस दुकानदार ने सभी को बराबर पीले चावल देकर निमंत्रित भी किया। यह नजारा देखने के बाद यह आसानी से कहा जा सकता है कि रूठों को यदि मनाने की कला सीखनी हो तो कोई प्रद्युमन सिंह तोमर से सीखे। मुन्ना भैया किधर? एकदम बहुत बड़ो काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं चल रही है। आज 12 तारीख को महाराज को घर के यार इस विकास के लिए और महाराज को निमंत्रण है। सारे जने हैं कहीं उनको ही बुरा दर्दारी बनते हैं तो हमारे घर में जने हम तो मान ली, पर निवेदन है आप सबसे चिंता नहीं करो, मैंने आप सबसे लेकर है कि 12 तारीख को वोट डालेंगे साहब। दादा नारायण कैसे हो, आशीर्वाद तो दे दो, आशीर्वाद दे नहीं रहे तो सर का तो हाथ रखते मैं प्रद्युमन तोमर, नाराज कैसे हो तुम? निवेदन है, ये निमंत्रण है, 12 तारीख को वोट दे के आओ, विकास को वोट दे के आओ। अशोकनगर से ग्राउंड रिपोर्टर संजय नामदेव की रिपोर्ट।